हाय, ट्रेडल में आपका स्वागत है। सो टुडे इज फ्राइडे एंड आज के लकी विनर है हमारे पास जितेंद्र, एंड इनका हम लोग फ्री एल्गोरिदम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो पे सब्सक्राइब करते हैं और जो रूल्स दे रखे हैं इस वीडियो में फॉलो करते हैं, तो हम लोग एक लकी विनर चूज करते हैं फ्राइडे को। ठीक है, तो आज हम लोग जितेंद्र की EMA बेस्ड स्ट्रेटेजी को कोड करेंगे। जितेंद्र, एक आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए टू द यूजर्स। ओके मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है और मैं नासिक का रहने वाला हूँ और प्रेजेंटली मैं एक कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर के तौर पे जॉब कर रहा हूँ लास्ट 25 ईयर्स से। और मेरा नेटिव प्लेस जो है हरियाणा स्टेट है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। और जितेंद्र, मैं आप लास्ट कितने कितने टाइम से क्रिएट कर रहे हो पिछले, एंड 3 ईयर्स से अब तक कैसी रही आपकी जर्नी? मतलब मैन्युअली जॉब करते हो, कैसा रहा अभी तक? ठीक ठीक है, ना ज्यादा प्रॉफिट है ना ज्यादा लॉस है। कभी लॉस भी हो जाता है, कभी प्रॉफिट भी हो जाता है। अच्छा, और आप कैसा करते हो, इंट्राडे, पोजिशनल स्विंग, ऑप्शन? नहीं ज्यादातर मैं या तो इंट्राडे करता हूँ और कोई अच्छा शेयर रहा तो उसको पोजिशनल में रख लेता हूँ मार्जिन लगा के। नहीं एंड मतलब फ्यूचर्स पे करते हो या इक्विटी पे, किस तरीके का आपका? इक्विटी पे और बैंक ऑप्शन में। चलो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्रिएट करने स्टार्ट करते हैं। जी तो दिस इज योर स्ट्रेटजी ओके जी। EMA 10 और EMA 13 का पॉजिटिव क्रॉसओवर, तो बाय एट द रेट मार्केट, और स्टॉप लॉस चाहिए प्रीवियस कैंडल लो का। जी नेगेटिव क्रॉसओवर तो सेल करो, और प्रीवियस कैंडल हाई का स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके जी नई चीज रहेगा आपका। एक्चुअली ये वाला पॉइंट अपने को निकालना है। ठीक है, मतलब जी जी अभी ये भी तो एक्चुअली बाय स्टेट है, पर इसको नहीं हाँ मानेंगे, सिर्फ नहीं क्रॉसओवर माने पर मानेंगे। क्रॉस ओवर हो जाए तो मेरे पास ना छोटा सा कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके। आपको कोई क्वेश्चन होगा ना कोड में तो हाँ पूछ ले। ठीक है, चलो ओके ओके ये कनेक्शन हो गया, ये है अकाउंट से कनेक्शन। ठीक है, मतलब एक बार ओके कनेक्ट हो गया तो अब मैं ओके इस अकाउंट के लिए जितना भी काम करना चाहता हूँ मैं कर सकता ओके हूँ। नाउ द सेकंड पोर्शन इज, क्योंकि आप EMA बना रहे हो तो हिस्टोरिकल डेटा लगेगा कैंडल का, और वो वहां तक ओके भी लगेगा जैसे अभी बज रहा है 9:33 हो रहा है ना, 9:33 का भी डेटा लगेगा आपको। ओके हिस्टोरिकल डेटा कॉल करते हैं। अच्छा, आप कौन सी वॉच लिस्ट पे काम करते हो, निफ्टी 50, FNO? नहीं मैंने खुद बना रखी है 40 शेयर्स का। तो ये अभी वॉच लिस्ट है, फिर आपका जो भी लिस्ट है ना वो आप इस फॉर्मेट में इसमें डाल सकते हो। उसमें डाल के चेंज कर सकता हूँ। ओके वाइल थ्रू का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग करता रहेगा आपके सिग्नल के लिए। ठीक है, ओके फॉर नेम इन वॉच लिस्ट मतलब हर एक सिग्नल का, मतलब पहले अदानी पोर्ट स्कैन करेगा, फिर एशियन पेंट, ओके फिर एक्स। ओके स्टेप बाय स्टेप फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल डेटा मंगा रहे ओके हैं। नेम NAC में काम कर रहे हो, 5 मिनट्स पे ना आपका टाइम फ्रेम, या 15? 15 मिनट्स 15 पे है। 3 मिनट्स। डेल्टा, डेल्टा स्टैंड फॉर पिछले कितने दिन का डेटा मंगाने हैं। वो कम से पिछले कम EMA निकालने के लिए आपको अगर 2-3 दिन का भी डेटा है, क्योंकि आपको हाँ EMA 10 चाहिए ना, तो 10 कैंडल ही लगेगा, दस दस कैंडल लगेगा। तो 10 दिन काफी, उतने में डेटा आपको सारा आ जाएगा। ओके ठीक है, ये आ गया आपका 9:15 से लेके 9:30 तक का डेटा आ गया, जो अभी ओके आपकी रनिंग कैंडल है ना उसका भी डेटा आपको आ जाता है, तो 9:30 वाली ओके कैंडल भी आ जाती है आपको। ओके अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, EMA चाहिए ना, जी एक्सपोनेंशियल हो रहा तो हम लोग करेंगे ELIB। ठीक इसमें से आप निकाल सकते हो सारे इंडिकेटर। ओके
क्लोज पे चाहिए, क्लोज पे हाँ कर लेते हैं। क्लोज पे। अच्छा वॉल्यूम पे भी कर सकते थे इसका मतलब चाहते तो। डेटा ऑफ ईएमए ऑफ कितना था आपको, 10 and 13, थर्टीन 10 10 और ये 13। थर्टीन इंपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी हम अभी फाइल यूज कर रहे हैं, जैसे टैलिब इंडिकेटर लेकर आएगा जो ईएमए बना रहा है, तो उस फाइल को इंपोर्ट करता है, मतलब उसको रीड कर लेता है बस अपने दिमाग में। ये वाली मूवी देखी आपने, इसमें जैसे होता है ना वो ढेर हाँ सारी चिट्टी और लैंग्वेज, मर, हाँ मर तो वो इंग्लिश हिंदी मराठी फाइटिंग संस्कृत सब सीख लेता है, तो बस ये क्या ओके करेगा, इंपोर्ट संस्कृत, तो संस्कृत आ गई, इंपोर्ट 0 होता तो इसको 0 था भी समझेगा, उस तरीके से ओके चलता है। ओके ठीक है, EMA 10 और EMA 13। ठीक है, एक बेसिक आप बता दो, ये नैन वैल्यूज क्यों आ रही है, एमटी आ रहा है ना कुछ सेक्शन, क्यों आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा। मतलब मैंने तो बोला ना कि मेरे पास डेटा हाँ है EMA लगा दो, बाद में तो ओके दिया ओके, उसने वैल्यू पर शुरू में नहीं दिया, तो इसका वो नहीं हुआ होगा ना, पैरामीटर आया नहीं होगा उसमें मतलब जैसे प्रोसेस। EMA 13, नहीं, वैसे EMA 13 है ना, तो 13 कैंडल तो पहले वो एम्प्टी रखेगा, उसके बाद ही आपके ओके इंडिकेटर बनेगा ना, ओके ये तो अगर मैं पूरा ओके डेटा कॉल करूँ ना, बाय 50 फ्रेम्स कॉल करता हूँ, टॉप 50 रो कॉल कर, ओके तो देखो यहाँ पे देख रहे हो EMA 10 जी मतलब 10 तक खत्म है, फिर ये 13 थर्ड खेल दे। ओके ठीक है, अब आपको क्या ओके चाहिए, देखो इसका ना फॉर्मूला कैसा होता है, देखो ये मान लो आपका 10 वाला है एंड ये आपका 13 है, ठीक जी है, तो जी यहाँ पे आपकी ना लास्ट कैंडल फॉर्म हो रही है, मतलब जो हाँ कंप्लीट हो चुकी है इससे पहले हाँ की कंप्लीटेड कैंडल, तो जो ये बराबर क्रॉसओवर, क्रॉसओवर के लिए फॉर्मूला पता है क्या बनेगा आपका, इस तरीके से बनना है, देखो ये अभी का जो 10 वाला है वो 13 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बराबर और पिछली कैंडल में 13 बड़ा होना चाहिए 10 से, तब है, 10 से बड़ा होना चाहिए। जाके आपके क्रॉसओवर। हाँ तो इन शॉर्ट हमें क्या लगेगा, हमें दिस कैंडल जो कंप्लीट हो चुकी है उसका डेटा और प्रीवियस कैंडल का डेटा, ये दो बराबर लगेंगे बराबर अपने को। ठीक है, तो डेटा मैं बोलता हूँ लास्ट कैंडल इज इक्वल टू डेटा डॉट अभी कितना 9:39 हो रहा है ना, तो कंप्लीटेड जो हमारी फर्स्ट कैंडल बन रही है वो यहाँ बन, 15 मिनट के बाद वो 9:15 वाली बनी, और ये बराबर तो अभी प्रोग्रेस में है अभी, तो 9:15 इज आर लास्ट कैंडल LC, ठीक है, और एक SLC क्रिएट कर लेंगे, मतलब कि सेकंड लास्ट कैंडल वो 13, तो SLC देखोगे तो 3:15 पुरानी कैंडल। हाँ तो
अगर लास्ट कैंडल का ईएमए 13 बड़ा है, ईएमए 10 बड़ा है सेकंड लास्ट कैंडल के ईएमए 10 बड़ा है ईएमए 13 है, तो ये होना चाहिए सेकेंड लास्ट कैंडल में सब रिवर्स हो जाएगा। जी सेकेंड लास्ट कैंडल का ईएमए 10 13 ठीक है, तो अगर ईएमए 10 अभी, ये तो आपका करेंट स्टेट है और ये आपका प्रीवियस स्टेट है, तो करेंट स्टेट मतलब ये पॉजिटिव क्रॉस हो रहे हैं, लास्ट कैंडल का ईएमए 10 इज स्मॉलर देन 13, चक्र बराबर आ रहा है क्या? बराबर तो नेम बताएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव क्रॉसओवर बताएगा। ओके जैसे कोल इंडिया में ट्रू आ गया ना, ओके फर्स्ट में ट्रू है मतलब पॉजिटिव क्रॉसओवर, कोल इंडिया चेक। तो मैंने यहाँ पे ईएमए नहीं है ना, ये सिंपल मूवी है, सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल एंड हो गया। ओके ओके फिर बचाइए कैसे? अच्छा ये बताओ फिर आपका स्टॉप लॉस किधर जाएगा, ये रेड वाली ये कैंडल पे ना, हाँ तो मतलब विच इज दी थर्ड कैंडल यहाँ पर से, चलो नहीं नहीं रेड पे नहीं, ग्रीन पे रहेगा ना, क्रॉस ये रेड पे हुआ। यहाँ पे होगा विच इज दी हाँ सेकंड कैंडल फिर हो जाएगी आपकी। हाँ ये ग्रीन के लो पे रहेगा, क्लोज ओपनिंग पे, सॉरी। मैं बोलता हूँ इफ पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रखा है ठीक है, तो प्रिंट वैसे आप आई थिंक ट्रेडल से बहुत लंबे टाइम से आपके कमेंट देख रहा हूँ मैं ट्रेडल पे। एक्चुअली मेरी बात भी होती रहती है आपके डेली ऑफिस में। कब से हुआ आपको, तो कब से अटेम्प्ट कर रहे हो एल्गो ट्रेडिंग आप? मैं आपके काफी दिन से वीडियोस देख रहा हूँ, समझ लिया कि 2-3 महीने से देख रहा हूँ वीडियोस आपके, एक 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 वीडियो देखता हूँ पूरा अच्छे से बैठ के। हाँ समझ में आता है मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ हाँ क्या कहता है? हाँ फिर तभी तो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बना भी रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए देख करके आपका जो कोर्स है ना उसको, उसके जो वीडियोस उनको देख देख के कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। सही इसलिए इसलिए मैंने आपसे बोला था वो ईएमए 20 वाला अगर बेटर रहेगा तो, इससे ईएमए ओनली शेयर सिर्फ ईएमए 20 पे, कौन सा जैसे वाली? ये अभी ये तो क्रॉसओवर है, एक सिंगल ईएमए 20 पे बनाने के लिए। तो एक काम करेंगे, टाइम अगर प्राइस ईएमए 20 को क्रॉस करता है तो आप करोगे वैसा?
हाँ नहीं, जब ये तो दो क्रॉसओवर है ना, वो सिंगल पे रहे, सिंगल सिंगल ईएमए पे, सिंगल ईएमए। तो प्राइस अगर सिंगल ईएमए क्रॉस करता है तो मैं उसको बाय करूंगा। हाँ तो मैं बाय करूँ। अगर क्रॉस नीचे हो जाए तो सेल, नीचे रहे तो सेल हो जाए ऑटोमेटिक। मतलब उसकी बॉडी क्रॉस होनी चाहिए जैसे कि, हाँ बट हाँ जैसे रेड वाली क्रॉस हो गई ना तो इस पे बाय हो जाए। नहीं ये ग्रीन, ये तो फिर अगली कैंडल भी वैसे बनी रहेगी। एक तो पहले बॉडी क्रॉस करना चाहिए ईएमए को, जैसे हाँ, ग्रीन तो वाले ने किया। नहीं पूरा रेड ने पूरा क्रॉस किया ना। और मान लो कि अभी कुछ टाइम बाद ये ऐसा दिखेगा तो फिर आप यहाँ पे भी बाय लोगे क्या? नहीं बाय वन टाइम यू, सिंगल टाइम बस, एक बार बाय हो तो दोबारा बाय ना। तो प्रीवियस वाले ने क्रॉस करना है और अगला वाला ऊपर रहना है। हाँ अगला ऊपर रहे और तब बाय हो, और जो प्रीवियस जो है ना उसके क्लोजिंग में ओपनिंग पे स्टॉप लॉस लगे। टाइम बचेगा ना तो ये भी बना दे। हाँ प्लीज। तो बाय नेम एंड स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस डिफाइन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इज जो भी लास्ट कैंडल का लो हो। लो नेगेटिव क्रॉस ओवर के लिए सेल करो। स्टॉप लॉस इज लास्ट कैंडल का हाई। टाइम हो ही रही थी आपको मारुति आया, एक और आया कौन सा, नेस्ले आया, रिलायंस आया, इन दोनों से चेकिंग कर लेते हैं। बाय मारुति स्टॉप लॉस इज 5853 15 ना 5853.3। ऑब्लिगेशन रिलायंस ये वाला तो एक्सेप्ट है। सेल रिलायंस स्टॉप लॉसेस ट्वेंटी फोर फिफ्टी टू। ठीक है, मतलब वही रेड कैंडल के हाई पे लगाना था आपको। ये भी है ना, ये बहुत पिन पॉइंट मूव कर रहा है, देख रहे हो कितना उसमें डिफरेंस है ईएमए के अंदर। नहीं मैंने एक्चुअल में इसका शेयर्स पे नहीं किया, मैंने बैंक निफ्टी में ज्यादा किया इसका ट्रायल। तो बैंक निफ्टी में अच्छा उसका मूवमेंट रहता है, मैंने उसका बैक टेस्ट करके देखा लास्ट 4-5 महीने में अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था वो। इस बैंक निफ्टी करना है तो इसमें सीधे चेंज करके बैंक निफ्टी कर सकते हैं। बड़ा हाँ, क्योंकि शेयर्स पे नहीं किया मैंने, शेयर्स पे मैं 20 में ही करता हूँ। इसको बोल देते हैं फिर बाय सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। रेगुलर एनएससी क्वांटिटी कैसे डिफाइन कर रहे हो? कैसा क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगा आपको? हाँ क्वांटिटी तो एक ही रखता ना, एक ही रखता हूँ उसमें ऑप्शन में, तो एक ही लॉट है ना। हाँ ऑप्शन में तो एक ही लॉट रहता ना, नहीं सॉरी उसमें फ्यूचर में तो एक ही रहता ना, और इसमें तो मैं 20-30 ऐसे डिपेंड है।
मैस मार्केट, मार्केट क्वांटिटी 1 प्रोडक्ट है, अभी ठीक ही लग रहे हैं ना ये। वैसे भी इक्विटी में ऑर्डर मारते हैं, बढ़िया। कुछ लोग बाकियों के लिए यूट्यूब पे, जब भी आप टेस्टिंग करते हो ना, तो एक बहुत ना टेम्परेरी अकाउंट पे टेस्टिंग करो एक। ओके अगर एक गया भी ओके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन ओके अकाउंट पे टेस्ट कर दिया, कुछ हो गया तो वो आप पे लॉस आ सही बात जाएगा है, बहुत। पूरा पूरा कैपिटल निकल जाएगा नहीं तो। पेरेंट ऑर्डर इंटरेस्ट आता। तो ठीक है, ये सेल हुआ ना, तुम्हें बाय पे क्रिएट करके देखते हैं ना, SLM बस एक प्राइस देने कितना हो जाएगा, मार्केट ये 553 ना, 553। SLM ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे। आई डॉट प्लेस ऑर्डर रेगुलर NSC नेम, इसको मैं सेल करूंगा ना, क्वांटिटी सेम प्रोडक्ट MIS SLM। इसमें हमें बस एक ट्रिगर प्राइस देना पड़ेगा। और ये कितनी क्वांटिटी क्या, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा ये वन टाइम ये एक ही ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, मान लो कि मैं वन यहाँ दे टाइम? देता हूँ, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, ओके यहाँ पे क्वांटिटी इज इक्वल, वहाँ चेंज करोगे बस आप। ऊपर ओके। और सेकंड थिंग मुझे एक चीज पूछना, सपोज करो मेरा कैपिटल भी, एक एग्जांपल है 1 लाख रुपीज है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा 5 ऑर्डर लगनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए? कर देंगे रह सकते फिर इसको। हाँ रिस्ट्रिक्टेड मतलब। NSE नेम सेल करना है, क्वांटिटी MIS फिगर पे। यहाँ पे भी ना क्वांटिटी इज इक्वल्स टू QTY करता हूँ, ताकि दोनों में एक ही आ जाए। ओके रेगुलर NSE नेम, इसको बाय करना पड़ेगा ना, बाय क्वांटिटी क्वांटिटी ये ऊपर 1 1 की जगह क्वांटिटी करना पड़ेगा। तो मुझे दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा क्वांटिटी? ऑटोमेट कर देंगे थोड़ी देर में, मैं हाँ लगने देते ना ऑर्डर। हाँ चलिए ओके।
बाय मारुति, मारुति मारुति में थोड़ा वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही। आप तो उसमें देखिए ना, क्या बोलते हैं, अदानी इंटरप्राइजेस में आ रहा है। नहीं, वो ओके सॉल्व ओके करना पड़ेगा। इसमें नहीं आ रही ओके तो क्यों नहीं आ रही वो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉसओवर ना एक्चुअली पिछली कैंडल को रखा है, हाँ अभी लेटेस्ट कैंडल को नहीं हुआ है। तो 8572 और 85 पे हैवी बहुत, कैसा बोल रहे हैं उसको। बच्चे बच्चे को 10 और 13 लाल है, 10th इज ऑफ 22 एंड ग्रीन इज ऑफ 71। 72 एंड 71, 67 एंड 67, ये देख रहे हो, पॉइंट जी, जीरो सेवन और 0.33, 33 बहुत बहुत नजदीक से है। मतलब वो उतना नजदीक है कि वो समझिए 72 और 71 कुछ तो है कम से कम, ये चिपक गया एक तरीके से इसके ऊपर। स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं भी ये ना हमारा कोड ठीक है, और ये ओके। काम करते हैं, ग्रीन लाइन को चेंज करते हैं, 10 इनको ब्लू करते हैं। रिलायंस में भी हुआ ना। लाइंस में वैसे ना वो ठीक ही है, देख रहे हो ओके अगर आप जूम करके देखो ना इसको, मतलब वो ठीक है, तो हाँ देख रहे हो ये ब्लू वाला इसके ऊपर ही, और फिर ये वो चेंज हो गया। नहीं बराबर बराबर अब वो एक चीज है कि आपकी डेफिनेशन, अब वो विजुअली जीरो था, कैसे लाइन ड्रॉ कर रहा है कि यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट हो या यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट हो, ओके बट आप ओके कोड वाइज देखोगे तो बोथ आर ओके, यहाँ पे ब्लू ओके ऊपर था, यहाँ पे ब्लू नीचे, रेड ऊपर रेड नीचे, तो वो ओके लाइन ड्रॉ करने की लाइन पर एक्चुअली ठीक है। बट स्टॉप लॉस आपके ठीक है कि लगे, सो विच इज ओके। एक दूसरा ऑर्डर है हमारा ओ एन जी सी का ना, ओ एन जी सी ओके। ये भी वही है, अभी हाँ देख रहे हो, अभी यहाँ पे अब पकड़ में आ गया ना जीरो दादा, अब यहाँ पे बराबर जो क्रॉसओवर दिखा रहे हो वो हवा में दिखा रहे हैं, देख रहे बराबर हो है। किधर है क्रॉसओवर, बट लाइन वाइज देखो सीधा सीधा प्रॉपर क्रॉसओवर। ये होता है ना कि किस हिसाब से लाइन ड्रॉ कर रहे, ठीक है। एंड बराबर इस केस में आपका हाई पे स्टॉप लॉस, या फिर उस कैंडल के हाई पे आ गया जो भी आपका करंट कैंडल था, बस ओके हो गया आपका सिस्टम बन गया। और क्या एक वो रह गया ना आपका, क्या बोलते हैं उसको, कि आपको ज्यादा ऑर्डर नहीं लेने थे, ठीक हाँ है। इतना TREDED ट्रेडेड नाम की वॉच लिस्ट बनाते हैं, इसमें स्टोर करते रहेंगे हमारा, ठीक है। ओके मैं बोल सकता हूँ ट्रेडेड के अंदर ठीक है, तो ऑर्डर लगेगा ट्रेडेड के अंदर में, मेरा वो नाम फिक्स कर दूंगा, तो जैसे भी ONGC लगा ना तो ONGC इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके और पॉजिटिव क्रॉसओवर कहूंगा, और उसके लिए एक चीज और कहूंगा कि जो भी अभी मेरा करेंट नाम है वो नॉट इन ट्रेडेड होना चाहिए। ओके हाँ सेकंड बार बार ना लगे। हाँ
ये हो गया एंड क्या है लेंथ ऑफ क्रेडिट शेल बी लेस देन कितना आपको 5 चाहिए ना सो शेल बी लेस देन 6 हो जाएगा चलेगा या फिर आप इक्वल टू भी कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 का तो भी चलेगा उससे लेस होना चाहिए हाँ बस चलेगा हरियाणा में किधर थे कौन से गुड़गांव ये प्रीवियस ऑर्डर कैंसिल करते हैं किसका आगे बीपीसीएल बीपीसीएल का एंड आपका टिक लग गया ऑर्डर ओके 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 और कुछ देख लो बीपीसीएल एक मिनट चेक करो बीपीसीएल एक और बार चेकिंग के लिए आया हाँ, नहीं पर ऑर्डर नहीं लगा क्योंकि ट्रेड हो चुका है ठीक है बस अभी दिन भर ऐसे ही चलता रहेगा ओके और ये एमआईएस भी रहेगा ना इंट्रा पे नहीं ना हाँ ये सब एमआईएस ऑर्डर है आपके चलेगा ओके जो बीपीसीएल कंप्लीट हुआ है ना आपका एक सेटिंग में आपको और करके देते हैं इसके अंदर ठीक है व्हिच इज अभी आप एक क्वांटिटी ले रहे हो पर मतलब क्या करोगे रिलायंस के लिए मैन्युअली कैलकुलेट करोगे क्या कि 600 रुपए का है तो कितने का है या 10,000 रुपए का है तो कितने का है वो करना दिक्कत हो जाएगा ना आपके लिए हाँ, तो नहीं मैं सपोज करो मेरा 1 लाख कैपिटल है तो वो ऑटोमेटिकली 5 में डिवाइड हो जाए तो एक काम करते हैं अच्छा ऐसा करते हैं ठीक है तो एक तो ना मार्जिन निकालते हैं कितने अपने पास राइट और मार्जिन इक्विटी का मार्जिन चाहिए आपको और अभी अवेलेबल चाहिए ना आपको नहीं नेट नेट निकालेंगे क्योंकि सुबह सुबह आप एक ही बार तो इस नंबर को लोगे बराबर ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा का मार्जिन ठीक है ये आपका कैपिटल पर ट्रेड इज इक्वल्स टू जितना भी आपका स्टार्टिंग मार्जिन है डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ट्रेड आप ले सकते हो 5 ठीक है इसकी भी सेटिंग आप यही कर सकते हो TRDS इज इक्वल्स टू 5 ठीक है डिवाइडेड बाय मैक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स ठीक है ठीक है तो ये जो 5 है ना आपका वो आपको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं सीधे ऊपर डिफाइन करो और आपका नीचे सब सेटिंग ओके ठीक है ओके तो मैक्स नंबर ऑफ ट्रेड इज 5 एंड कैपिटल पर ट्रेड इसके हिसाब से स्टार्टिंग कैपिटल पर ट्रेड 1270 वो अभी मैं क्योंकि ऑर्डर चले जाए हमारे ना तो इनटू 2 या 3 कर लूंगा okay. या फिर या रहने दो कुछ कंफ्यूज कैपिटल पर ट्रेड और कुछ है क्या इसमें तो एक और कर लेते हैं फिर एक चीज और पॉजिटिव क्रॉसओवर एंड मान लो कि आपको कुछ ऐसा चाहिए अब मान लो कि कैपिटल पर ट्रेड आपका आ गया 1 लाख के अकाउंट के हिसाब से कितना आएगा आपका 25,000 आएगा पर फिर आप MRF नहीं खरीद पाओगे डालना भी नहीं है पर अगर हो गया तो फिर फंस जाओगे ना या फिर मान लो कि कोई कोई अभी आपका 24,999 चल रहा था नहीं 2 मिनट बाद 25,001 रुपये हो गया तो एरर दे देगा आपको बराबर बराबर तो मैं ना यहाँ ये करना पड़ेगा एंड ठीक है एंड लास्ट कैंडल का क्लोज ठीक है सेल बी लेस देन कैपिटल पर ट्रेड मतलब कि 1.22 आनी अपनी ना कम से कम वरना कोई पॉइंट चलेगा हाँ चलेगा ठीक है
क्वांटिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल पर ट्रेड बाय डिवाइडेड बाय लास्ट कैंडल का क्लोज, तो स्टॉप लॉस भी उतनी ही क्वांटिटी का आपका लग जाता है, आपको जरूरत नहीं खेलेगी बराबर चला के देख लेते, कोई एरर होगा तो ठीक कर। अदानी में आया बीपीसीएल के तीन ऑर्डर लगते हैं आपके, क्या कर रहे हैं फिगर प्राइस फॉर स्टॉप लॉस विल लोअर देन द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एक मिनट रुको, बीपीसीएल स्टॉप लॉस 374.4, यही होता है जब आप एल्गो क्रिएट करते हो ना तब आप माइनर माइनर चीज पकड़ सकते हो। देखो बाय करना था बीपीसीएल बराबर, ओके, व्हिच इज और स्टॉप लॉस है 374.4 पे, ठीक है, ओके ओके, तो यहाँ पे बाय ऑर्डर आया, ठीक है, और इसका लो है 374.4 पे, ओके, पर वो जब तक आया ना तब तक वो ऑलरेडी स्टॉप लॉस के नीचे ही उसका प्राइस चल रहा है, ओके, तो ऑलरेडी जब चल ही रहा है तो आपको ऑर्डर हिट थोड़ा ना करने देगा, बराबर, इसलिए आपके एक्सेप्शन आ चुके, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम बोलेंगे कि भाई स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करो, ओके, अगर कोई गड़बड़ होती है तो, मतलब कि अगर वो ऑलरेडी उसके नीचे बैठा हुआ है तो क्या करो, जो ओरिजिनल ऑर्डर लिया था ना उसका रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो तो आप बच जाओगे ना फिर उस केस में, बराबर सही बात है। कम से कम ना आपको सोफिस्टिकेटेड हो गया, यहाँ पे पाए था और ये ठीक है, पेरेंट ऑर्डर भी कहते हैं और ये है बाय और ये है सेल, अगर आप इस केस में क्या अगर होते थे फॉर एग्जाम्पल किसका बीपी सेल के, तो आप मैन्युअली कैसे करते थे इसको, उसको बंद करना, स्टॉप लॉस वो करता चेंज करता उसका, मतलब कि जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस जो ये होना चाहिए था अब आप वो स्टॉप लॉस नहीं डालते, कुछ और डालते, कुछ और डालते, और यही होता है जब आप अपने ना रूल्स जो आपने बना रखे हैं, क्योंकि आप सोच के सोच, बैक टेस्टिंग तो आपने किसी और चीज की करी थी ना, बराबर उसमें ये थोड़ना था कि आप चेंज करने वाले हो, नहीं बराबर, वो दिक्कत है फिर आपके रूल, वो रूल रहते नहीं फिर आप चेंज होते रहते, इसीलिए तो एल्गो स्टार्ट कर रहा था कि उसमें पेशेंस वो नहीं रहता ना, अगर ऑर्डर मार दिया गलती बाद में फंस ली तो गया, तब तो गया होता, ठीक है, तो बीपीसीएल आया और बीपीसीएल गया, ठीक है, हिट हो गया, ओके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाकी आपकी स्कैनिंग चलती रहेगी, ओके, एंड क्वांटिटी का कितना है, 3x3 है ना, ठीक है, तो जितना भी आपका 1200 रुपए में आ रहा था तो ये ना 3 रुपए, हाँ वही आ गया ना आपका 1000 रुपए के करीब आ गया, 1100, ठीक है, हो गया इसका, हम करते हैं फाइनल इसका ना, कुछ टेस्टिंग के लिए ना मैं 5 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है, 15 मिनट करना होगा तो 15 कर लेना, अभी एक थोड़े ऑर्डर लग जाएं करके 5 कर देता हूँ, आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं कुछ रातों, बाद में इसको आप चेंज कर सकते हो आराम से ना अपने हिसाब से, ओके, और कुछ क्वेरी रात हो अगर डिस्कस करना हो तो आप हमने श्वेता मैम को मैसेज करिएगा।
मुझे ये चेंजेस करने या कुछ बोलने करके। ओके ओके एसबीआई का लग गया ना, तो एक ऑर्डर लिख देते हैं सन फार्मा। सन फार्मा ठीक है, सन फार्मा आ गया आपका। कौन है? अच्छा 15 मिनट के हिसाब से देख रहा हूँ, 5 मिनट के हिसाब से आ गए। ठीक है, आई भी आ गया आपका। करेक्ट ओके। और कुछ लगे थे? ठीक है, अभी दो इस्ट ओके ओके अभी चलता रहेगा इसमें ना। अभी जैसे अभी ये सिस्टम आपका क्रिएट हुआ, इसमें सेटिंग करने के लिए आप बहुत सी सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि 315 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ होना, या फिर 915 के बाद ऑटोमेटिकली चलना। ओके, तो इट इज मोर ऑफ अ मतलब कि आप उसमें कितना मतलब बेसिक हो गया आपका, अब आप उसमें 1 घंटा और बैठो फिर वो काम भी हो जाएगा, फिर कुछ टाइम और बैठो वो काम होगा। वो तो है। अच्छा मुझे सर एक चीज पूछना था कि अगर सपोज ये सिंगल एक पे चलाना है, 20 पे चलाना हो, खाली ये में 20 पे चलाना है तो वो कैसे करेंगे? वो आप किस तरीके से रहेगा, मैं कोड थोड़ा छेड़ के दे देता हूँ आपको। हाँ आप अटेम्प्ट कर सको कम से कम। हाँ तो अभी यहाँ पे जो मैंने ईएमए 10 और 13 लिखा है ना, हाँ अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ लास्ट कैंडल का क्लोज शुड बी ग्रेटर देन, अगर ईएमए 13 के ऊपर है तो बस हो गया, बाकी कंडीशन हटा दो यहाँ से। एंड ये आप बस जो क्रॉसओवर है ना यहाँ पे डिफाइन करो कि आपको क्या चाहिए करके। ओके अगर एक ही ईएमए रखना है तो हटा दो, वैसे भी कैलकुलेट हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपसे, कौन सा रखना है आपको, 10 रखना है 13 रखना है? नहीं मुझे 20 वाला रखना था। तो क्या करोगे अब आप बताओ, ठीक क्या करोगे आप मुझे चार्ट दिखाएंगे, क्योंकि इसमें ना मैंने चार्ट नहीं। इसमें एक्चुअल में क्या है ना, मैंने कभी इक्विटी में टेस्ट नहीं किया, इसमें मैंने खाली उसमें किया था बैंक निफ्टी के फ्यूचर में टेस्ट करके देखा था। चलो चार्ट में, तो चार्ट में जो आप मैन्युअली टेस्टिंग करोगे करोगे, कोड में कहाँ कहाँ चेंज करोगे? हाँ कोड में मुझे सिर्फ एक ही रखना है कि मुझे ईएमए 20 करोड़ के ऊपर कैंडल जाए तो बाय हो जाए, और लाइन नंबर 23 में कौन सा चेंज करोगे? हाँ लाइन नंबर 23 में वही ना 20 करना पड़ेगा ना, ईएमए 10 की जगह पे 20, मतलब 20 के ऊपर जाए तो बाय हो जाए, 20 के नीचे जाए तो सेल हो जाए, और बस टाइम पीरियड को भी 20 करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ओके, अब इसकी जरूरत नहीं है, ईएमए 13 की कोई जरूरत नहीं, इसको हटा नहीं। ओके ठीक है, तो आपको सेकंड लास्ट कैंडल की भी जरूरत नहीं है? हाँ नहीं नहीं और जो 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 कैंडल के ऊपर जब क्रॉस होगा, सपोज जिस कैंडल से क्रॉस होगा 20, उसी कैंडल के जो प्रीवियस कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस लग जाए उसके, तो आपको प्रीवियस सेकंड लास्ट कैंडल लगेगी उसके। हाँ ठीक है, अच्छा ये आ गया आपका, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे आपके? यहाँ पे कुछ वही आएगा ना जो 20 का क्रॉसओवर हो जाएगा, तो लाइन इट इज मोर लाइक कि आप वो जो सेटिंग करनी हो आप यहाँ पे लिख के सेटिंग कर सकते हैं। ओके मतलब ये 23 और 28 29 लाइन में करना है बस इतना आपका चेंज हो गया। ठीक है, और देख लो किधर है आपका लास्ट कैंडल डिफाइंड है, व्हिच इज ओके, सेकंड लास्ट कैंडल डिफाइंड है, ठीक है, बाकी सब वो सेम ही तरीके से रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो चलो फेसबुक मोर और लेस अब क्लोज करते हैं। एक मिनट ठीक है, तो फिर चलो फिर क्लोज करते हैं। एंड ये सर मुझे बताओ कि आपकी फीडबैक के तौर पे कि मतलब मैनुअल ट्रेड करने और एल्गो ट्रेड करने में मतलब क्या अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, बहुत। मैनुअल में क्या है, सपोज करो एक तो कभी जैसे मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कब ऊपर जाता कब नीचे जाता है। अभी कल का ही बताता हूँ, कल अच्छा भला मार्केट ऊपर जा रहा था और सडनली कुछ न्यूज आया और सट से एकदम बैंक निफ्टी जो है 300 पॉइंट्स गिर गया। तो उस कल की बता रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल, अभी मान लो अगर मेरे पास एल्गो होता तो इमीजिएटली उसको सेल में कन्वर्ट कर लेता,
क्योंकि मैं अगर मैनुअली करने जाता था तब तक तो वो 50-60 पॉइंट नीचे गिर चुका होता है, उतना लॉस हो जाता है। तो अगर मैं एल्गो में होता तो वो इमीडिएटली मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता ना, तो ये एक थोड़ा अच्छा बेनिफिट है एल्गो से। स्पीड का याद रहता है उसमें, हाँ बहुत हाँ बहुत ज्यादा क्विक खेल सकते हो उसके अंदर। हाँ क्योंकि उसमें फटाफट हो जाता है सेकंड्स के हिसाब से, ये मुझे अच्छा उसमें अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ा कि उसमें बार बार आपको स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं कि यार ये स्टॉक लू ये स्टॉक लू, तो वो ऑटोमेटिक एक अपना लिस्ट करो डिफाइन, वो अपने आप उसमें करता रहेगा ट्रेड। तो आप मैनेज कैसे करते थे फिर अभी तक, क्योंकि आप काम भी करते हैं ना, जॉब भी करते हो, तो आप मैनेज कैसे करते थे कि ट्रेडिंग भी करना है जॉब भी करना है? मैं सुबह सुबह कर लेता था वैसे। मतलब कि सुबह का कुछ पोर्शन फिर काम पे हाँ जाए सुबह सुबह ऐसे? सुबह सुबह हाँ 7:15 बजे मार्केट खुला और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखी, उसके बाद देख लेता कि मार्केट ऊपर है तो एक बाय कर लिया और जो मिला 30-40 पॉइंट लगा के कर लिया, छोड़ दिया बस। फिर दिन में बस फिर नहीं करता था मैं तो, क्योंकि फिर ऑफिस में भी काम नहीं कर, सीनियर पोस्ट पे तो फिर काम वगैरह काफी हो जाता है इसलिए वहां पे भी नहीं बच कर सकते ना, वो भी तो लगे। मैं अच्छा लगता है फिर इसलिए थोड़ा। ठीक है फिर जितिन, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, जो ओके फाइल्स रहेंगी वो हम आपको गूगल ड्राइव के थ्रू सेंड कर देंगे। ओके, ओके फिर आप ओके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके कुछ रहा तो फिर मैं श्वेता मैडम से डिस्कस कर लूंगा। कुछ रहा तो फिर आप बताइए। ठीक ओके है, ओके थैंक यू ओके एवरीबडी फॉर योर टाइम। थैंक यू ठीक है, ओके ठीक है, बाय। जितिन।